आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, हमारा प्रश्न है, ए किसी काम को समाप्त करने के लिए बी द्वारा लिए गए समय से 5 दिन कम लेता है। यदि ए तथा बी दोनों मिलकर उसी काम को 10/3 दिन में कर सकते हैं तो काम को समाप्त करने के लिए ए तथा बी द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए, हमारे पास क्या है, ए और बी है, ठीक है। एक आदमी है और एक बी, हमारे पास दो आदमी है, ठीक है। देखिए, इसने बोला है कि ए किसी काम को करने के लिए बी द्वारा लिए गए समय से 5 दिन कम लेता है, ठीक है। अगर बी एक्स दिन काम करता तो ए कितने दिन काम करेगा, एक्स माइनस 5 दिन काम करेगा, ठीक है। ए अगर हमारा बी अगर एक्स दिन काम करता है, मैंने माना कि जो बी है हमारा वो एक्स दिन काम कर रहा है, ए कितने दिन काम करेगा, एक्स माइनस 5 दिन में उसको कंप्लीट कर देगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमने मान लिया, ठीक। अब देखिए, ए तथा बी दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करता है, 10/3, ठीक है, 10/3 दिन में काम कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं ए की बात करता हूँ, ठीक है। देखिए, ए जो है मेरा, ठीक है, ए अगर ए मान लो एक्स माइनस 5 दिन में किसी काम को कर रहा है, ठीक है, एक्स माइनस 5 दिन में किसी काम को कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा वो, ठीक है। ए एक दिन में, ठीक है, कितना काम करेगा, 1/(x-5), ठीक है। अगर वो x माइनस 5 दिन में पूरा काम कर रहा है, ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/(x-5)। इसी तरीके से अगर मैं b की बात करूं, b एक दिन में कितना काम करेगा, b एक दिन में 1 कितना करेगा। देखिए, यहां से अगर मैं देखूं तो b x दिनों में पूरा काम कर रहा है तो यहाँ x मेरा नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, दोनों मिलके ए ओ तथा बी मिलकर के कितने दिन में कर रहा है, 10/3 में, तो ए तथा बी, ठीक है, उसी काम को ठीक है एक दिन में करते तो कितना काम होता, 1 कितना दिया हुआ, देखिए 10/3, ठीक है। अगर ए और बी मिलकर के उसी काम को देखे हम तो वो एक दिन में कितना काम करते दोनों मिलके, वो करते 1/10/3, ठीक है, 10/3 दिया हुआ हमारे को। तो देखिए, यहाँ से इसको हल कर लेते हैं, 3 हमारा ऊपर आ जाएगा, 3/10। तो देखिए, ए द्वारा काम किया गया काम हमारा कितना आ गया, 1/(x-5), ठीक है, और बी द्वारा काम किया गया कितना आ गया, 1/(x). और इसने बोला है कि दोनों उसी दिन को करने में एक दिन में टोटल कितना काम कर रहे हैं, 10/3। तो देखिए, दोनों का अलग अलग काम जोड़ कर दूंगा तो दोनों का मिलकर काम कितना कर रहे हैं, 3/10 कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को मैं आपस में जोड़ दूंगा, ठीक है। यहाँ से मैंने इनका काम निकाल लिया, एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में इतना काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में इतना काम करते हैं, तो इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसको हल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, एक्स का मान हमारे को निकालना, ठीक है। एक्स और एक्स माइनस 5 में लघुत्तम ले लूंगा, ठीक है, तो देखिए गुणा हो जाएगा एक्स से, ठीक है, एक्स माइनस 5 से एक्स माइनस 5 कट जाएगा तो एक्स प्लस एक्स से एक्स कटेगा तो ये एक्स माइनस 5 आ जाएगा बराबर 3/10। तो देखिए कितना आ जाएगा, ऐसे एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा, माइनस के 5/x गुणा एक्स माइनस 5 बराबर 3/10। लेकिन वो अगर मैं तिरछा गुणा करूंगा तो 2x-5 किससे गुणा होगा, 10 से बराबर एक्स गुणा एक्स माइनस 5 गुणा होगा 3 से, ठीक है। तो इसको आगे हल करते हैं, देखिए कितना आएगा, ये हो जाएगा 10 × 2 20x माइनस के 50 बराबर 3x2। देखिए, x और 3 अंदर गुणा होगा, x की घात 2 से x से तो 3x की घात 2 माइनस, देखिए 5 × 3 = 15 और ये x आ गया, ठीक है, दोनों यहाँ से गुणा हो जाएंगे अंदर। लेकिन इनको एक तरफ कर लेते हैं, 3x2 माइनस के 15x, ठीक है, इनको मैं इधर ले आता हूँ इसकी साइड, तो माइनस का 20x, ये 50 प्लस का हो जाएगा बराबर 0। तो देखिए, 3x2 माइनस प्लस क्या होता है, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे तो ये कितना जाएगा यहाँ से, माइनस का 35x, ठीक है, प्लस के 50 बराबर 0। देखिए यहाँ से अब मैं उसको हल करूंगा, यहाँ से देखिए 50 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूँ तो कितना जाएगा, 15 150, ठीक है, तो गुणा करने पे 150, और देखिए x का गुणा कितना है, माइनस के 35, तो प्लस और माइनस करने पे मेरे पास माइनस के 35 आने चाहिए, तो मेरे को इसके टुकड़े करने, देखिए क्या आ जाएंगे, 3x2 माइनस, देखिए 35 के टुकड़े क्या हो जाएंगे, इसके टुकड़े हो जाएंगे मेरे पास माइनस का 30x माइनस के 5x,
ठीक है। तो यहाँ से देखिए इनको अगर मैं गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 3 15 आ जाएगा, ठीक है, प्लस के 50 बराबर 0, ठीक है। इनको गुणा करूंगा तो 150 आ जाएगा, और इनको जोड़ूंगा तो 35 आ जाएगा। देखिए यहाँ से 3x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 10 हो गया, यहाँ से माइनस के 5 कॉमन लूंगा तो x माइनस 10 हो जाएगा बराबर 0। ये माइनस का आ जाएगा, प्लस का है तो क्योंकि मैंने माइनस का बाहर लिया है, तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से, एक्स माइनस 10, ठीक है। देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा यहाँ से 3x और यहाँ से माइनस के 5 बराबर 0। तो देखिए एक तो एक्स माइनस 10 आ गया और एक आ जाएगा 3x-5 बराबर 0। तो देखिए 3x-10 बराबर 0, 3x-5 बराबर 0। तो देखिए एक तो हमारा एक्स बराबर 10 आ गया, ठीक है, और यहाँ से एक्स बराबर 5/3 आ गया, ठीक है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या माना था, देखिए अगर ए किसी काम को बी कितना दिन ले रहा है, एक्स दिन, ठीक है। अगर मैंने माना कि बी उसी ए और बी है, देखिए अगर ए 10 दिन में काम करता है तो बी कितने दिन में करेगा, 5 दिन में करेगा, ठीक है। हमने अभी निकाला एक्स का मान कितना आया, 10, तो बी कितने दिन में काम कर रहा है, 10 दिन में। ए कितने दिन में करेगा, 5 दिन में करेगा, ठीक है। अगर बी, देखिए एक और आंसर आया था हमारे पास 5/3, अगर बी किसी काम को 5/3 में करता है तो ए कितने दिन में करेगा, 5/3-5 कितना जाएगा, देखिए यहाँ से 3 लघुत्तम आ जाएगा, 5-15 कितना जाएगा, देखिए देखिए मेरा ऋणात्मक आ रहा है यहाँ से, ठीक है। ये मान मेरे पास कितना आ रहा है, ऋणात्मक, और दिन हमारे ऋणात्मक में नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, ये आ जाएगा ए और बी, बी 5 10 दिन में करता है और ए 5 दिन में करेगा, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।